गौरनपुर गांव की बात है। उधर एक मछुआरे यानी रमेश भैया अपना गुजारा मछली पकड़ के करते हैं। उनके बच्चे कोई नहीं है, बस पत्नी है। दोनों मिलकर मछुआरे का काम करते हैं। कभी कभी मछली मिलती है और कभी कभी ऐसा ही खाली हाथ घर जाना पड़ता है। हे भगवान, आज क्या हो गया है, पानी में तो मछली ही नहीं दिखाई दे रहा। मैं क्या करूं, मेरा गुजारा कैसा चलेगा, हर दिन कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है मेरे। कहाँ रह गए पता नहीं, कब से बोल रही हूँ जल्दी आना जल्दी आना, ये तो कोई सुनता भी नहीं है। शाम होने को है, कहाँ रह गए पता नहीं, मर गए क्या, जीवन बेकार हो गया है। अरे वो तो दिख रहा है, पत्नी भागती हुई आ रही है। क्या बोलूँ मैं, क्या आज भी नहीं मिला तो फिर घर में तो खाना ही नहीं मिलेगा, क्या बोलूँ। क्यों जी, अंधे हो गए हो और क्या, बहरे भी हो गए हो, क्या कर रहे हो, बड़बड़ा रहे हो खड़े होकर, घर नहीं आना है क्या। वो मैं तो आ रहा हूँ। चलो आज तो खाना मिल गया, बस सो जाता हूँ, कल देखता हूँ क्या होता है। बस सुबह हो गई और वो फिर से निकल पड़े अपने काम के लिए, फिर देखिए क्या होता है। अरे वाह, आज तो पानी में काफ़ी ज़्यादा मछली है, मुझे तो पता नहीं था इधर इतना मछली है, तो फिर तो मेरा अच्छा फ़ायदा होगा, अब से तो मैं इधर ही आना करूँगा। आज तो बहुत फ़ायदे भी होंगे बेचकर, और इसी पैसे पे कुछ बीवी के लिए खरीद भी, तो बीवी के लिए कुछ खरीद दूँगा ताकि वो बहुत खुश हो जाए मुझ पे। मछली लाला, मछली ताज़ा ताज़ा मछली ले लो भैया, इधर आओ भैया, इधर आओ मछली ले लो, केजी 200 रुपये, केजी 200 रुपये ले लो भैया, ले यो ले यो। बस इसी से उनका घर चलने लगा, अच्छा गुजारा होने लगा और दोनों मियाँ बीवी काफ़ी खुश रहने लगे।